ये मेरे पास देख रहे हैं ये है स्टीमर। जी हाँ दोस्तों, पता नहीं किसने ये अफवाह फैला दी कि स्टीमर से स्टीम लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अकेली स्टीम लेने से कोरोना ठीक नहीं होता। लेकिन दोस्तों, अरे रुक तो जाइए यार, जा कहाँ रहे हो, पूरी बात तो सुनिए। स्टीमर से स्टीम लेने से आपका कोरोना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको राहत ज़रूर मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे शरीर के अंदर कफ जमा हो जाता है, स्टीम लेने से वो कफ पतला होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको सांस लेने में समस्या नहीं होगी। और इसी के साथ यदि आपको जुखाम की प्रॉब्लम है या फिर खांसी है तो उसमें भी आपको राहत महसूस होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण ग्रेवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई हीरो चैनल पर। बात करते हैं कि आपको स्टीम लेनी कैसे है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस, स्टीम लेते समय आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप जो सिंपल पानी है उसकी भी स्टीम ले सकते हैं, दूसरा आप इसके अंदर जो मेरे पास सफ़ेदा के पत्ते हैं, आप ये सफ़ेदा के पत्ते डालकर भी सीधा पेड़ से तोड़कर इन पत्तों को पानी में साफ धोकर सीधा आप इसके अंदर छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं, इतने इतने टुकड़े, आप ये आपको दिखा देता हूँ, इतना बड़ा टुकड़ा भी काफ़ी होगा, इसके अंदर डालकर आप स्टीम ले सकते हैं। नंबर दो पर आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि स्टीम लेते समय आपको आपकी आंखें बंद रखनी होंगी। नंबर तीन, आपको टावल से कवर करना पड़ेगा आपका फेस, जैसे कि ये टावल है और ये मेरे पास स्टीमर है, तो आप अपने टावल को ऐसे लेकर अपने फेस को कवर करके रखें, जिससे बाहर की खुली हवा ना लगे। नंबर चार पर आपको जो बात ध्यान रखनी है, सीधा कूलर या एसी की सीधी हवा आपको ना लग पाए। और इसी के साथ स्टीम लेने के बाद आधा घंटा तक कम से कम आप अपने फेस को कवर करके रखें, और उसके बाद धीरे धीरे टॉवल से अपने फेस को साफ करके टॉवल हटा दें। गाइस, और स्टीम लेते समय आप ये बात भी ध्यान रखें कि जो आपकी सांस है वो आप जितनी लंबी सांस लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये इस पर एक मैक्सिमम जो लेवल है उसका मार्क दिया हुआ है, आपको जो वाटर लेवल है वो यहाँ तक ही लेना है। गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप आधा ही पानी का भरें, क्योंकि अगर आप इसे फुल पानी में कवर करते हैं तो जो स्टीम होगी वो कुछ समय के बाद वो तेज़ होगी और आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो आप आधा इसे पानी का भरें और उसके बाद स्टीम लें, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप स्टीमर से ही स्टीम लें, ये आप बिना स्टीमर के भी स्टीम ले सकते हैं। आपके घर में, हर घर में जो रसोई में एक पतीला है वो पतीला लें, उसमें पानी डालकर उस पानी को अच्छे से उबालें, उसके अंदर भी आप सफ़ेदा के पत्ते डाल सकते हैं, और जब वो पानी अच्छे से उबल जाए, उसके अंदर से भाप निकलने लगे, तो आप इसी तरह टॉवल से अपने फेस को कवर करके और वहाँ पर भी स्टीम ले सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप स्टीमर से स्टीम जरूर लें, आपकी खांसी में भी आराम मिलेगा और जो आपको कफ है वो भी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा, और आपको जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी, मतलब जो सांस लेने में आपको परेशानी नहीं होगी, अगर मैं साफ भाषा में कहूँ तो। तो आप एक बार इसका प्रयोग जरूर करें, स्टीम जरूर लें। और इसी के साथ स्टीम लेने से आपके जो फेस है उसके अंदर भी जो किसी प्रकार की डस्ट जमा है तो वो भी साफ़ हो जाएगी और आपका चेहरा भी साफ होगा। तो इसे एक बार प्रयोग जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए।